हाय YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और हम भाभी सारे लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन कराने के लिए। आज जो भी मेरी मन्नत थी वो माता रानी ने पूरी करी, तो आज जोड़े से अपने भाई और भाभी को ले जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, और साथ में आप लोगों को भी सारे दर्शन कराऊंगी। और आज कर रही हूँ माता रानी कालका माता हैं, जो कि जैसा कि मैंने आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगी, माता रानी इतनी ज़्यादा सच्ची हैं, जो मांगो वो पूरी करती हैं। तो उन माता रानी के मैं दर्शन कराने अपनी भाभी के ले जा रही हूँ, प्रसाद चढ़वाऊँगी जोड़े से। तो चलो चलते हैं और आप लोगों को भी साथ में लेकर। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, आ जाओ भाभी। तो मम्मी ने कहा था कि भाभी को मंदिर के दर्शन करा कर लेकर आना। कालका माता है, जो कि आप लोग जो रतलाम के होंगे उनको पता होगा माता रानी कितनी मानी हुई है वो, और जो भी मन्नत मांगता है वो वहाँ पे पक्की पूरी होती है। और मैं आपको दर्शन कराऊंगी और आप अपने जहाँ हैं वहाँ से भी माता रानी से मांग सकते हैं, नहीं मांगो तो आप दर्शन जरूर करना, मैं दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। और माता रानी मतलब ये है ना, 100-200 साल पुरानी, और पता नहीं कब की है, जब राजा महाराजा यहाँ रहते थे ना तब की है ये माता जी। अच्छा। हाँ, तो चलो ले जाती भाभी का ना मैंने फ्री पल्लू कर दिया, अभी हल्का सा सिर पे कर देना यहाँ पर, फिर वहाँ वैसे कर दे। मेरा मोबाइल उठा लो ना, लाइटें सारी बंद कर देते हैं। आ जा, एसी बंद है ना, आ जा, ये चलने दो। क्या हो गया, आ जा मोबाइल ले लो, अभी से क्यों कर लिया, नीचे कर। हाँ आ जाओ, सही है सही है, आ जाओ, फिर वहां से निकलेंगे ना यहाँ से कॉलोनी से, तो अपने हटा देना। डाल लो अभी, मैं ना ये जो वीडियो शूट हो रही है ये भाभी के मोबाइल से हो रही है, तो क्लियरिटी बहुत अच्छी है, अब मैं यही वाला फोन लूंगी। आ जाओ धीरे धीरे, नहीं वही खाएंगे, वही खा, आ जाओ। कह रहे हैं ये हमें पसंद नहीं है, बेचारे वो लोग बना लेते हैं। भाई पानी पी लूं यार, चप्पल बाहर है, आ जाओ। चलो वो पड़ी वो। आराम से ले, आराम से गिराओगे क्या। यहाँ पर पहुँच गई मैं कालका माता मंदिर के यहाँ, और यहाँ पर भैया ना दूसरे रास्ते पर चला गया था, तो बस वही हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। और भैया को तो वैसे सारे रास्ते याद हैं, क्योंकि वो कई बार यहाँ पर आ चुका है और हम कई बार यहाँ पर आ चुके हैं, पर मेरी भाभी जो हैं वो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई, मतलब आई हैं। तो बस यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं प्रसाद, और प्रसाद में देखते हैं क्या क्या है। वैसे पूरा यहाँ पर सामान मिल जाता है, श्रृंगार का भी श्रृंगार पूरा सामान मिल जाता है, धूप बत्ती दीपक सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फूल माला और यही सारी चीज़ें हम लोगों ने ले ली थी।
फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पूरी 1 घंटे आरती चली थी, पूरा 1 घंटा, 8 बजे से 9 बजे तक। फिर इसके बाद में भाभी बोली कि दर्शन करने के बाद बड़ों के पैर छुए जाते हैं। मुझे तो नहीं पता था ये चीज़, पर भाभी ने बताई, चलो ये चीज़ को मैं भी अगली बार ध्यान रखूंगी। तो यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने के बाद भाभी बोली कि यहाँ पर दीदी आपके और जियाई के पैर छू लेती हूँ। फिर इसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा पैसे वैसे उतार के दे दिए थे अपनी भाभी की, भैया भाभी की नज़र उतार दी थी। और काफ़ी लोगों को बड़ा ऐतराज़ हो रहा है इस वक्त, काफ़ी लोगों ने इक्का दुक्का जो लोग हैं कि आप सिर्फ भाभी भाभी ब्लॉग में चल रहा है। तो भाभी कुछ दिन के लिए आई हुई हैं यहाँ पर, मेरे पास में कोई रहने तो आई नहीं है। तो जो लोग ब्लॉग में होते हैं वही तो मैं बोलूँगी भाभी आई हुई, तो भाभी के ही ब्लॉग मेरे आएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ती हैं संडे की किसी भी दिन, तो यहाँ पर लेकर आ जाते हैं बच्चे, अच्छे से एंजॉय करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं। फिर इसके बाद में हमने ऑर्डर कर दिया था कुछ खाने के लिए फूड, कि यहाँ से ही खा कर जाते हैं। फिर मम्मी जी ना बनाकर वहाँ पे बेचारी रख लेती हैं और यहाँ हम कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, फिर घर जाके भूखी नहीं लगती, फिर जो वो खाना है वो पूरा बच जाता है, फिर पापा जी गुस्सा करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर ही हल्का फुल्का ये सब खा कर ही जाएंगे। और अभी हम फिर इसके बाद में आइसक्रीम खाने के लिए गए थे और गार्डन में भी थोड़ी देर समय बिताया था। तो आगे व्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे मतलब व्लॉग आने वाले हैं, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा है तो सबसे पहले आप लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करना हम लोग भूल जाते हैं, पूरा व्लॉग देख लेते हैं, लास्ट में फिर व्लॉग ख़त्म हो जाता है और हम लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कर दो वीडियो को। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे कितने ज़्यादा मेरे एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और हम लोगों ने तब तक फूड ऑर्डर कर दिया था उधर। Thank you.
थोड़ी देर समय बिताया हम लोगों ने गार्डन में। गार्डन में आने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चों को आइसक्रीम खिला देते हैं। बच्चों क्या, हम लोगों की भी इच्छा जाग गई कि आइसक्रीम खा लेते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी आइसक्रीम खाने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में।